विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर प्रशासनिक अमले के साथ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट स्वर्ण रेखा नदी पर बनने वाले एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां पर मौजूद कलेक्टर और निगम की आयुक्त को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही एलिवेटेड रोड के आसपास कुछ दुकानों को विस्थापित करने की बात कही। ऐसे में उन्होंने अधिकारियों को दुकानदारों के विस्थापन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में एलिवेटेड रोड बनने से शहर का यातायात सुदृढ़ होगा, शहर के ट्रैफिक को भी गति मिलेगी। एलिवेटेड रोड का काम बहुत तेजी से चल रहा है। नाले के ऊपर एलिवेटेड रोड और के ऊपर से लोगों का चलना शुरू हो जाए तेजी से, इस काम की आज समीक्षा की है। पूरा प्रशासन को लेके आया हूँ और पूरा निरीक्षण करके और काम को तेज गति देने का। दुकानदारों को भी समझाई दी आपने? बिल्कुल, वो लोग तैयार हैं। जितना भी अगर उन्हें किया जाएगा तो उन्हें दूसरी जगह, अगर यहाँ से हटाया जाएगा दूसरी जगह।